पिछला लेक्चर तैयार है ना, जितना प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये पहला लेक्चर है। तीसरा चौथा हमने ग्रोथ रेट पे बात की, इस पे बात किया था ग्रोथ रेट। चलो पहले डिवाइड करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताओ कितने टाइप के ग्रोथ रेट, कितने ग्रोथ रेट हमने कितने टाइप के बताए? दो, एक अर्थमेटिक एक ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक एक ज्योमेट्रिक, अरे बोलो जो ठीक है, सरकार अर्थमेटिक की बात आ रहा है। एक अर्थमेटिक होता है, क्या होता है? ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से ज्योमेट्रिक, इसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन बताओ, दो चार गलत गलत गलत, अभी हमने आगे ही नहीं बढ़ा ना। दो चार छ आठ दस बारह, ये क्या होगा? अर्थमेटिक होगा, क्योंकि हमने कहा था इसे कॉमन एडिटिव या कॉमन मल्टीप्लिकेटिव बोला जाता है। कॉमन एडिटिव मतलब किसी कॉमन अंक से बार बार, किसी कॉमन अंक को बार बार क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। अच्छा दो चार आठ सोलह बत्तीस से क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक बोलेंगे कि नहीं? बोलो भैया, ज्योमेट्रिक बोलेंगे। बोलना ये सब है, हम लोग को लेकिन बोलना। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था ग्रोथ मतलब क्या होता है, अरे बोलो भैया, ग्रोथ मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन एनीथिंग इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ के लिए तीन मैजिकल वर्ड हमने बोला, भूल गए? बढ़ाई नहीं है, इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है, और इंक्रीज इन। इतनी बात तो क्लियर है क्या? इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल डिवीजन से इंक्रीज अगर हो रहा है कुछ तो ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने बताया था एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, बताया था कि नहीं बताया? चलो एक क्वेश्चन उसी पे बताओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या पढ़ रहा है? कंडीशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कंडीशन क्या होगी, यहीं से स्टार्ट करना अपने को टॉपिक। चलो ये देखा, तुम लोग पढ़ते नहीं है, ये 10 मीटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक है, इसे हमने नाम दे दिया ए। ये है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक, जिसको हमने नाम दे दिया बी। हमने देखा कि इंक्रीज किया, देखो इसको इंक्रीज करा दे रहे हैं, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज किया, और ये भी कितना इंक्रीज किया? 5 सेंटीमीटर। अब जल्दी से हमें बताओ, एक तरफ हम लिख रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक तरफ लिख रहे हैं रिलेटिव ग्रोथ। बताओ ए और बी का एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगा और रिलेटिव ग्रोथ क्या होगा? बताओ बताओ, लेक्चर पढ़े ही नहीं हो, लगाओ लगाओ आराम से लगाओ, डायरेक्ट लेक्चर पढ़ के आना जितना पढ़ाया। क्या इसका ए का एब्सोल्यूट ग्रोथ होगा जो वही बी का एब्सोल्यूट ग्रोथ होगा? नहीं। अच्छा तब क्या होगा? एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब हमने क्या बताया? एक्चुअल ग्रोथ। तो यहां एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ? 5 था, कितना बढ़ा है? 5। और यहां कितना था? 50, कितना बढ़ा? 5। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ को ही तो एक्चुअल ग्रोथ हमने बोला था, तो यहां एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ बताओ? 5। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगा? 5 होगा, सही होगा, 5 सेंटीमीटर। इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगा? 5 होगा। एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ भाई? 5। एक बात बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है क्या? एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है? बोलो, हम क्लास में पढ़ाते हैं तब तक बोलो, आवाज निकाल तो हमारे अंदर जाम आएगा थोड़ा सा। अच्छा एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना है? 5। क्या रिलेटिव ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ यहाँ पर क्या है? सेम। क्या रिलेटिव ग्रोथ भी सेम है? रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकालो? कैसे निकालो? हमने क्या बताया? रिलेटिव ग्रोथ निकालने के लिए एक्चुअल ग्रोथ या एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? इनिशियल। क्या कर दोगे?
इनिशियल ग्रोथ। चलो निकालो कि नहीं निकालो, बताओ यहां क्या लिखे पांच, हाँ सही है। अच्छा यहां क्या लिखे ऊपर क्या लिखे पांच और नीचे इनिशियल कितना था बढ़ा कितना था, और यही क्या होता है रिलेटिव ग्रोथ। तो इसको नहीं अब 175 का परसेंटेज अगर निकालना तो यहां कितना आ जाएगा, यहां 20 आ जाएगा क्या, अरे ये कट गया कितना हुआ 50 50 और यहां कितना आया, यहां कितना आया ये कट गया, ये कट गया 10% आएगा क्या। तो रिलेटिव ग्रोथ अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का सेम है इसका ये मतलब नहीं है कि रिलेटिव ग्रोथ भी सेम होगा। इतनी बात इतना क्लियर। चलो अच्छा हमने बताया था दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो एक सिंगल, अगर मल्टी सेलुलर है तो सिंगल सेल, सिंगल सेल जायगोट से, जायगोट से इसकी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है लाइफ। अरे बोलो हमें तुम इतना बड़ा देख रहे हो ना, ये ट्रिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल हमारे अंदर पाए जाते बैठ के हमें किन किने जानते हो, हम कभी क्या हुआ करते थे एक जायगोट, क्या थे जायगोट थे हमारे एज प्लस क्या बताएं कब जायगोट थे, तुम घटा लो उसमें से अपने हिसाब से। कहने का मतलब ये है हम एक सेल से बने, बताओ एक छोटा सा सेल इतनी बड़ी बॉडी बनाया तो इसमें सेल डिवीजन हुआ होगा कि नहीं हुआ, अरे बोलो भैया सेल डिवीजन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। और इसी सेल डिवीजन को हम क्या बोलेंगे ग्रोथ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ग्रोथ कि नहीं बोलेंगे। चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट पढ़ रहा है या एनिमल पढ़ रहा है, प्लांट पढ़ रहा है। तो चलो प्लांट ग्रोथ पे हमने बात किया। अच्छा कोई बता सकता है डेवलपमेंट इस पर क्या होता है, डेवलपमेंट इस पर क्या होगा ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ नहीं, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। प्लांट में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, प्लांट भैया प्लांट की तो सीड हम क्या जरूरी होती है सीड, और इतना बड़ा आज प्लांट तुम्हारे सामने बनकर तैयार है कि नहीं, तो उसमें डेवलपमेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ, ग्रोथ हुआ होगा कि नहीं। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ, किस कंडीशन में ग्रोथ होगा, कंडीशन फॉर ग्रोथ। अगला टॉपिक है अपना स्टार्ट करें, बताओ कुछ नहीं यार कुछ है ही नहीं, तो कहां है कंडीशन फॉर ग्रोथ। एक बात बताओ प्लांट के ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, तेज तेज बोलो तेज तेज, वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, देखो भले ही कम लोग बैठे हो ना लेकिन हमें पिछला वाला चाहिए, जब बच्चे बोलते हैं तो एनर्जी आता है, बताओ वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए। न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन बता दो, ऑक्सीजन क्यों चाहिए जानते हैं, ऑक्सीजन क्यों चाहिए भैया, ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पायरेशन नहीं होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, खाना नहीं टूटेगा, तो एनर्जी कहां से मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो प्लांट का कोई सवाल ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो पाएगा, तो क्या चाहिए हमें ऑक्सीजन। अच्छा न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे बोलो भैया मिनरल चाहिए कि नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो न्यूट्रिएंट भी चाहिए। अच्छा टेम्परेचर चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो इधर ठंडी में उसे रह जाता है अंटार्कटिका में लगा दे प्लांट, यहाँ वाला प्लांट जो इंडिया में लगा उसे अंटार्कटिका में लगा दे तो क्या वहां पर वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं, तो टेम्परेचर चाहिए कि नहीं, टेम्परेचर ये जरूरी है ग्रोथ के लिए कि नहीं जरूरी। अच्छा ऑक्सीजन नहीं देंगे तब भी ग्रोथ हो जाए, वाटर नहीं देंगे तब भी ग्रोथ हो जाए, अरे बोलो भैया 10 बार तो हमें एक बार बोलो, न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो ग्रोथ हो जाए नहीं, तो ये सब जरूरी है ग्रोथ के लिए नहीं जरूरी है, जरूरी है तो ये क्या होते हैं एसेंशियल फॉर फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए होते हैं भैया ये जरूरी, क्या होते हैं जरूरी। इतनी बात क्लियर, अब हम एक एक करके बात करते हैं।
वाटर के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं, पहले सब कुछ बात करते हैं, लेकिन एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे वाटर, इसको बात करेंगे। अब देखते हैं वाटर प्लांट के लिए क्यों जरूरी होता है, वाटर प्लांट के लिए क्यों जरूरी होता है। तो देखना, वाटर जो होता है रिक्वायर्ड फॉर, किस लिए जरूरी होता है। अच्छा एक बात बताओ, एक गुब्बारा उसे हमें फुलाना है तो उसमें पानी भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा। हमने तुम्हें बताया था, तुमने पूरा वीडियो देखा होगा तो समझ पा रहे होगे। हमने कहा हमने 10 गुब्बारा दिया या मान लो 20 गुब्बारा दिया, कितने कितने मर जाएगा कि नहीं बोलो भैया। और हमने एक गुब्बारा फुला दिया, इतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब सेल डिवीजन करना है, सेल डिवीजन हो तुमने कर दिया। देखो ये देखो इतना सारा सेल तुमने बना दिया, सेल डिवीजन हो गया। अब ये सेल हमने बताया था इलोंगेशन, क्या बताया था इलोंगेशन, ये सेल बड़ा भी तो होगा। बोलो भैया इलोंगेशन के लिए हमने क्या बताया, क्या होगा इसमें ऐसा जो इलोंगेशन होगा, वैक्यूलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, वैक्यूल पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ये एक सेल इतना बड़ा होगा, इसमें ढेर सारे सेल, देखो ये देखो ढेर सारे, और ये देखो एक समझ पाए, ये सेल इतने छोटे से इतना बड़ा होगा, तो इसमें पानी की जरूरत होगी कि नहीं होगी, पानी की जरूरत होगी कि नहीं। अच्छा वो बड़ा फुलाएंगे, फुलाएंगे पानी डालेंगे, पानी डाला तो वो टर्जिट होगा कि नहीं होगा। अरे यार बताओ इसमें हमने पानी डालना, पानी डालना है तो फूलेगा कि नहीं फूलेगा, टर्जिडिटी मेंटेन करेगा कि नहीं। अगर वाटर नहीं होगा तो गुब्बारा जब फूला रहेगा, फूल कहेंगे सर मुंह से फुला देंगे, हवा से, हवा वाला नहीं फुलाना है, पानी से फुलाना है, समझो। ये सेल जो है ये टर्जिट फैला हुआ, क्यों फैला हुआ, क्योंकि इसके अंदर पानी है। तो बताओ वाटर टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दे देगा क्वेश्चन, कहेगा बताओ वाटर रिक्वायर फॉर प्लांट, तीन ऑप्शन दे देगा और एक चौथा दे देगा ऑल ऑफ दी। तो समझो इस बात, पहला क्या हमने समझा कि ये मेंटेन करता है टर्जिडिटी, इसको मेंटेन करता है टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। तो वाटर क्या करता है, मेंटेन करता है ये सब प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी। अच्छा बताओ सेल, जब सेल में जब पानी गया तो सेल फूलेगा कि नहीं फूलेगा, सेल बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो इससे हाथ रखे बैठे हो एकदम, तो इनलार्जमेंट ऑफ सेल के लिए वाटर जिम्मेदार है कि नहीं, वाटर जरूरी है कि नहीं। अगर सेल को बड़ा करना तो वाटर जरूरी है कि नहीं। हम कहना चाहो हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से सारा पानी निकाल दो तो हम कैसे लगेगा, हाँ सही कह रहे हो, खटाई जैसे, खटाई बोली हो क्या, खटाई जो होता है उसमें से जब सारा पानी निकाल लो तो वह कैसा लगता है, देखे हो ना, अब जो भी हमारे दिमाग में आ गया ये छुआरा लगे भैया, सारा पानी निकाल लो कैसा होगा, वैसे हमारी हालत हो जाएगी। इसका मतलब ये जो हमारे बॉडी में ऐसे, ये देखो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी है, ये कैसे है, वाटर की वजह से कैसे है। वाटर ना होता तो हम देखने क्या कहते, बोलो भैया नहीं रहते, क्या हो जाते, हो जाते। तो पहली बात है मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा सेल के एनलार्जमेंट में मदद करता है कि नहीं करता है, वाटर जरूरी है सेल एनलार्जमेंट के लिए। अब हम तुमसे काम करवा रहे, भैया लोग कपड़ा दे दिया हमने और तुम्हें डिटर्जेंट पाउडर दे दिया और कहा धो, तो तुम्हें पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बोलो भाई बिना पानी धो दो, पानी जरूरत पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि पानी वहां माध्यम की तरह काम कर रहा है, एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, जिसमें तुम सरफ क्या करोगे, सरफ डालोगे, उसके बाद ऐसे ऐसे हाथ से बोलोगे, समझ रहे हो ना। तो वहां वाटर एक मीडियम की तरह काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा बताओ ये जो सेल है इसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन चलते हैं कि नहीं चलते, एक एंजाइम एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में बदलता है कि नहीं बदलता है, एंजाइम की मदद से होता है कि नहीं,
चलने के लिए वाटर यहाँ एक माध्यम की तरह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाटर निकाल लो, क्या निकाल लो? वाटर। क्या कोई एंजाइम इंटीग्रेशन हो पाएगा? एंजाइम का काम कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर एक माध्यम की तरह काम करता है। तो वाटर जरूरी है एंजाइम इंटीग्रेशन के लिए। इसके लिए भैया बोलोगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए वाटर क्या प्रोवाइड करता है? वाटर जो होता है प्रोवाइड मीडियम, एक माध्यम प्रोवाइड करता है इसके लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इतनी बात तो क्लियर? देखो मर गए सब कुछ। अरे बोलो भैया, क्लियर नहीं क्लियर? तीन चीजें बताओ बताओ। पहला है वाटर क्यों जरूरी है? जल्दी वाटर क्यों जरूरी है? मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी। दूसरा सेल न्यूट्रिशन। तीसरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो कह सकते हैं अगर वाटर नहीं तो ग्रोथ नहीं, बोलो भैया, और अगर ग्रोथ नहीं तो डेवलपमेंट नहीं। क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इस पर टू क्या होता है? डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाटर से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? बोलो भैया, जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। एक लाइन और लिख रहे हैं, प्लांट का ग्रोथ, हम कह रहे प्लांट का ग्रोथ नहीं, प्लांट एनिमल सबका ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिंक किससे जुड़ा हुआ है? वाटर स्टेटस, कितना पानी है, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, कि प्लांट के अंदर कितना पानी है। अगर बहुत कम पानी है प्लांट के अंदर तो प्लांट सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? प्लांट मुरझा चुका है, पानी लॉस। जब धूप ज्यादा पड़ता है तो देखो कुछ पत्तियां क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं कि नहीं? क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे जुड़े हुए? वाटर स्टेटस मतलब क्या होता है? फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, यही सब होता है ना। स्टेटस मतलब कितना प्लांट में पानी है। इतनी बात तो क्लियर है, आगे बढ़े। अगला कौन जरूरी होगा जल्दी से? अरे बोलो यार, ऑक्सीजन। कौन सा जरूरी है? ऑक्सीजन। बताओ प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक करते हैं, एनारोबिक करते हैं। अरे भैया प्लांट कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक। भूल गए क्या? चलो पूछ ले रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है कितने एटीपी बनेंगे बताओ? कंप्लीट ग्लूकोज तोड़ने पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनेंगे? कितने? 48। कितने? 21। 38। तो भैया बोलो ना ऐसे। अच्छा एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो कितने एटीपी टोटल बनेंगे? कितने एटीपी बनेंगे? दो। और इसमें 36 भी बन सकते हैं और 38 भी बन सकते हैं, डिपेंड किस पे करता है, कौन सा सिस्टम चल रहा है। अगर मैलेट एस्पार्टेट सिस्टम, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, तो कितने एटीपी बनेंगे? 38। अगर डिस्ट्रोफॉस्फेट सटल सिस्टम तो कितने एटीपी बनेंगे? 36। हमारी एनसीईआरटी ने किसको माना? मैलेट एस्पार्टेट, क्योंकि उसने कितने एटीपी मिलकर किया? 38। कोई कोई एग्जाम हमने, कोई कोई क्वेश्चन हमने ऐसे देखा है इधर अदर पीएमटी में आए हुए हैं, उसमें 38 दिया होता है ना, 36 दिया होता है, दोनों है तब क्या लगाएंगे? और बोथ ऑप्शन भी नहीं, तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे 38। क्यों लगाएंगे? क्या 36 वाला गलत है? नहीं, हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया है? 38। तो हमें भी क्या लगाना है? तो बताओ प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन होता है? जो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मदद से हो उसे क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद होता क्या? मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं? मेटाबॉलिक एनर्जी क्या होता है? अरे ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता? तो एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या रिलीज होता है?
मेटाबॉलिक एनर्जी। तो बताओ हमें एनर्जी की जरूरत है कि नहीं? अरे सर हम तो एकदम एनर्जी लेस हैं, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये जो जो तुम हमें देख रहे हो ना, ये जो तुम सुन रहे हो ना, अगर एनर्जी नहीं रहेगा ना तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना? राम नाम सत्य हो जाएगा। चलो तो ऑक्सीजन भी जरूरी है, बताओ न्यूट्रिएंट जरूरी है कि नहीं जरूरी? बताओ हमने एलिमेंट बताया था, मैक्रो एलिमेंट, माइक्रो एक न्यूट्रिएंट बताया था कि नहीं बताया? मैक्रो वाले कितने? 9 या 8? हाँ 9। और माइक्रो वाले कितने थे? 8 थे, नहीं थे। टोटल एसेंशियल एलिमेंट कितने थे? 17। टोटल कितने थे? 17। देखो भैया बहुत, देखो अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत परफेक्ट बात बता रहे हो, अगर पीछे का तैयार नहीं तो समझ लो नीट की तैयारी नहीं हो, वो अगले साल की तैयारी हो रही कि अगले साल भी पढ़ना, समझ रहे हो ना? चलो तो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। एक बात बताओ, न्यूट्रिएंट हमने कितने टाइप के बताए? एक बताया था मैक्रो, एक बताया था माइक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो। चलो एक बात बताओ, ये दोनों न्यूट्रिएंट में क्या कार्बोहाइड्रेट आए, क्या फैट आएगा? जब डाइजेशन आएगा तो हमने बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भैया ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे? सब आएंगे। अब बताओ ये न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है? हमें न्यूट्रिएंट क्यों रिक्वायर है? रिक्वायर फॉर, सुनो, ये जो साइटोप्लाज्म बना या प्रोटोप्लाज्म, तो ये बता सकता हूँ आज पूछेंगे क्वेश्चन, पूछेंगे पढ़ाएंगे कब, बताओ कोई बता सकता है? व्हाट इज, बता दो तुम, जाओ इनाम हमारी तरफ से, जितना जितना पढ़ाए ये बता दो, अगर जितना पूछे इनाम हमारी तरफ से, क्या इनाम रहेगा वो बात बताओ। साइटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ट्रोपोप्लास्ट, साइटोसोल, अंत सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, इसमें से प्रोटोप्लास्ट से क्वेश्चन आया हुआ, डिफरेंस बता सकता है? नहीं बता सकते ना, वो जाओ आप पढ़ के आए, मुझे ऐसा पढ़ाया, बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ना कि साइटोसोल क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ट्रोपोप्लाज्म क्या होता है। बार बार एनसीईआरटी लिखती है ना, ये सब बातें एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, कुछ भी बार बार ये लिखता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटोप्लाज्म, मतलब हमें पढ़ के आना, फिर बता दिया। बताओ न्यूट्रिएंट जो है वो रिक्वायर होता है किस लिए? ये जो तुम प्रोटोप्लाज्म बना रहे हो इसमें क्या डालोगे? चीनी, नमक, चाय पत्ती, ये सब डालोगे? वो तो पहले माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो न्यूट्रिएंट जो होता है इसे यूज किया जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। किसका? न्यूट्रिएंट का। बताओ न्यूट्रिएंट को प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता? और दूसरा ये सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं? न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट आएगा कि नहीं आएगा? फैट आएगा कि नहीं आएगा? प्रोटीन आएगा कि नहीं आएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को तोड़ के हम एनर्जी लेते हैं कि नहीं लेते? इसका मतलब न्यूट्रिएंट जो होता है क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। क्या होता है? सोर्स। गलत टॉपिक से ही स्टार्ट हुआ है क्लास का, है ना? गलत टॉपिक से स्टार्ट हो गया क्लास, इसको पहले हमें पता नहीं था। चलो इधर, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है न्यूट्रिएंट। बताओ न्यूट्रिएंट है तो कम, जल्दी बोलो, जल्दी आगे बढ़ेगा, ये नहीं किसी टाइम लिख जाएगा। बताओ क्या होता है ये? सबसे पहली बात प्रोटोप्लाज्म में, मतलब प्रोटोप्लाज्म बनाने में यूज होता है। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। अच्छा अब बचा क्या? टेम्परेचर बचा? बोलो यार, टेम्परेचर कुछ बताना है क्या? टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर जरूरी है कि नहीं? अरे यार बताओ, प्लांट ग्रोथ के लिए टेम्परेचर जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। टेम्परेचर बताओ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए या बहुत कम टेम्परेचर चाहिए? हाँ, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, दोनों के बीच में क्या? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? बेस्ट टेम्परेचर।
तो हमें प्लांट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर चाहिए भैया? ऑप्टिमम टेम्परेचर बेस्ट रहेगा प्लांट ग्रोथ के लिए। और ये एनसीईआरटी नहीं दिखाई लेकिन लिख लेना, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? अलग अलग प्लांट का अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। पहले C4 C3 प्लांट जब बताए थे तब पढ़ाए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट में देखा गया है ये 28 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है मोस्ट ऑफ प्लांट। इतनी बात तो क्लियर हुई, बताओ। अच्छा एक बात, टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम, वो ऑप्टिमम कितना होगा बोलो यार? 28 से 30। अब कुछ इन्वायरमेंटल सिग्नल होते हैं प्लांट के लिए, जो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। वो इन्वायरमेंटल सिग्नल देखना, तुम हल्के में सीआरटी को लेते हो, कह रहे हो तो लाइन लाइन पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, ये पर जब मीट में बैठोगे तो पता चल जाएगा। इन्वायरमेंटल सिग्नल एनसीईआरटी सब लिखा। सुनो भैया, लाइट जो होता है वो सिग्नल देता है किसको? बता रहा और ग्रेविटी भैया। अच्छा स्टेप को कैसे पता हमें ऊपर जाओ? सूर्य रूप जानते हो, जमीन के नीचे जो सिस्टम है उसे क्या बोलेंगे? सूर्य सिस्टम। और जमीन के ऊपर जो सिस्टम है, अरे रूप रूप, जमीन के ऊपर जो है उसे क्या बोलेंगे? सूर्य। फूल पत्ती स्टेम ब्रांच कलिया सब किसमें है? सूट में। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये सब किसमें आए? रूट सिस्टम में। किसमें आएंगे? रूट सिस्टम। तो बताओ आप देखो, ग्रेविटी बुलाता है किसको? बोलो ब्लॉक, किसको बुलाता है ग्रेविटी? रूट को, कहता है आओ। और लाइट बुलाता है सूट को, लाइट जो होता है लाइट की तरफ, ये देखो इसे पता है हमें लाइट की तरफ जाना है और इसे पता है हमें ग्रेविटी की तरफ जाना है। इतनी बात तो क्लियर है। तो ये सिग्नल है कि नहीं? किस लिए सिग्नल है? कौन से एनवायरमेंटल सिग्नल है बोलो भैया? लाइट एनवायरमेंट में आता है कि नहीं आता? हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग उसे क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते हैं। तो ये सब सिग्नल किस लिए दे रहे हैं? ये सब डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? डायरेक्शन। लाइट कहेगा ईस्ट भैया आओ हमारी तरफ, और ग्रेविटी क्या कहेगा? रूट तुम्हें हमारी तरफ। समझ रहे हो ना? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, लेकिन इस कहानी को पढ़ना ही नहीं है ना। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ये सब लास्ट में थोड़ा सा हम बता देंगे। पिछली बार एक्स्ट्रा सिर्फ दिया था तो दे देंगे इसको। बताओ इन्वायरमेंटल सिग्नल डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि नहीं डिसाइड करता है? बोलो भैया इन्वायरमेंटल सिग्नल में कौन कौन आएगा? टेम्परेचर, लाइट और जल्दी से लिखो बकवास टॉपिक। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा भैया एक बात सुनो, अगला टॉपिक समझने के लिए ना हमें एनाटॉमी आनी चाहिए। एनाटॉमी आनी चाहिए, चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो आना चाहिए कि मेरिस्टमेटिक सेल क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, वैस्कुलर कैंबियम क्या होता है, ये सब थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। लिखो तब लिखने तो पढ़ाई ध्यान दे लो,
हम जो टेस्ट कराए हैं, हम जो टेस्ट बोले हैं वो टेस्ट करा दिए, जैसे चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, तुम रिवीजन करते रहो टेस्ट। इसीलिए हमने पहले ही बता दिया था कि रिवीजन करो और टेस्ट दस, देखो टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा पता है, दस यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, तीन टेस्ट रहेगा फर्स्ट एनसीईआरटी का, तीन टेस्ट रहेगा सेकेंड एनसीईआरटी का, और तीन टेस्ट रहेगा फर्स्ट और सेकेंड। हाँ यहाँ मेरे बता देना, वो सबका चलना चाहिए जितने लोग बैठे हैं, समझ रहे हो ना। हाँ चलो बताओ कंडीशन को, आप वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे बोलो यार वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑक्सीजन न्यूट्रिया तुम सब भी बोलो बहुत तेज बोलो, न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, और टेम्परेचर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब जरूरी है ग्रोथ के लिए कि नहीं, जल्दी से तीनों का वाटर क्यों चाहिए, वाटर जो होता है क्यों रिक्वायर है, क्यों जरूरी है, पहला टर्बिडिटी मेंटेन करेगा, दूसरा सेल के एनवायरमेंट भी जरूरी है, तीसरा एंजाइम एक्टिविटी के लिए वाटर प्रोवाइड करता है माध्यम। अच्छा बताओ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट से जोड़ा जा सकता है, जितना ज्यादा वाटर होगा मतलब एक ऑप्टिमम में उतना बेस्ट क्या होगा ग्रोथ होगा। अच्छा बताओ ऑक्सीजन जो होगा जरूरी है कि नहीं, क्यों जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करना है कि नहीं करना है, मेटाबॉलिक क्यों कह रहा है क्योंकि ग्लूकोज को हम तोड़ के एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। चलो बताओ न्यूट्रिएंट जरूरी है कि नहीं, मैक्रो या माइक्रो, मैक्रो या माइक्रो दोनों जरूरी है क्या, दोनों जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ क्यों जरूरी है बताओ, जल्दी से बताओ क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें प्रोटीन प्लांट्स का सिंथेसिस करना है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी काम करने हैं, तो एनवायरमेंट का सिग्नल में कौन कौन लाइट और ग्रेविटी बस उतना ही रखते हैं। उसके बाद बताओ टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है बेस्ट। चलो अच्छा गर्मी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, बेतहासा ये लोग हैं ना बेतहासा गर्मी पड़ रही है, बताओ तुम्हारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, बताओ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, सर पढ़ाई जब ठंडी भी रहती है बसंत भी रहती तब भी नहीं होती, कहने का मतलब ये है तुम्हारी बॉडी तभी अच्छे से काम करेगी जब ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, ना तो ठंडी ना तो गर्मी, बढ़िया फेवरेबल कंडीशन है जम के पढ़ाई को, समझ रहे हो ना। चलो अब भैया बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत बकवास टॉपिक से क्लास स्टार्ट हुई है, अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डिडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, भाई चल रहा है नहीं चल रहा, हाँ नहीं तो हम पढ़ाते हैं एक बार घर पे क्या हुआ, हम पढ़ाते हुए चले गए तो उसके बाद डिसलार बटन चले ही नहीं बात, और सोचो कितना गुस्सा लगा होगा, कभी ऐसा हुआ है नहीं जिंदगी में, मोबाइल चार्जिंग ऐसा होता है मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिए और उसके बाद दो घंटे बाद आए देखिए पता नहीं तकलीफ होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अच्छा टॉपिक डिफरेंशिएशन, बात नहीं डी डिफरेंशिएशन। अच्छा बताओ कहीं भी डी लग जाए उसका मतलब क्या है, बताया था यार तुम सब बेइज्जती करा देते हो, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, एक बात बताओ पूछे मेरिस्टमैटिक सेल कौन सी सेल, मेरिस्टमैटिक सेल मेरिस्टमैटिक वर्ड कहां से लिया गया, ग्रीक से या लैटिन, ग्रीक से या लैटिन से, ये कहां लिखा हुआ है ये नहीं पूछेगा लेकिन ये पता होना चाहिए ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी में लिखा हुआ है नीचे वाले एकदम पहले पेज पे नीचे, क्या मेरिस्टमैटिक किससे लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है मेरिस्टॉप, ये उनके लैंग्वेज में अब इंग्लिश में इसे कन्वर्ट किया गया है टू डिवाइड जो लगातार क्या करे डिवाइड, तो मेरिस्टमैटिक सेल कैसा सेल होता है, ऐसा सेल जो लगातार क्या करे लगातार डिवाइड करने की उसके पास क्षमता हो उसे क्या बोलते हैं मेरिस्टमैटिक। चलो तो हमने यहां लिख दिया मेरिस्टमैटिक सेल, एक बात बताओ मेरिस्टमैटिक सेल मतलब लगातार डिवाइड करेगा नहीं करेगा, कई
20 से क्या जिंदगी भर डिवाइड करता है, एक समय आएगा ये डिवाइड करना बंद कर देता है और एक पर्टिकुलर काम करने लगता है। क्या? डिवाइड करना बंद कर देता है और एक पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट कर देता है, तब उसे बोलेंगे कि अभी इससे क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, मैच्योर हो गया। कौन चोर हो गया है? हाँ, तो मैच्योर हो गया है, इतनी बात तो क्लियर है। तो देखो, मेरिस्टमेटिक सेल जब डिवाइड करना बंद कर और एक पर्टिकुलर काम, अभी तो बोलिए कौन सा काम करता है, कौन सा काम करता है? कोई काम नहीं करता। जब ये एक काम स्टार्ट कर दे पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे? अब ये सेल क्या हो गया है? डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया है? डिफरेंशिएट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। तो मेरिस्टमेटिक सेल जब लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड, जब डिवाइड करने की क्षमता क्या कर दे? खो दे। डिवाइड करने की क्षमता क्या कर दे? खो दे। और क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए। क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए और अपना एक पर्टिकुलर काम करने लगे। क्या करने लगे? पर्टिकुलर काम करने लगे। तो उस सेल में डिफरेंशिएशन हो गया है कि नहीं हो गया? बोलो भैया, डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया? तो हम बोलेंगे वो सेल क्या हो गया है? डिफरेंशिएट। पहला क्या था? अच्छा, मेरिस्टमेटिक सेल जब डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस कर, खो दे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगे, तो क्या बोलेंगे? वो डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया है? डिफरेंशिएट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। अच्छा, बताओ, हमने कहा ये सेल डिवाइड कर रहा था और इसने डिवाइड करने की, इसने डिवाइड करना छोड़ दिया और ये अब जाइलम बना दिया। क्या बना दिया? जाइलम का एक सेल बना दिया। तो बताओ ये परमानेंट हो गया कि नहीं? एनाटॉमी में बताया था कितने टाइप का टिश्यू बताया? दो टाइप का बताया। पहले दो, सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड। बताओ सिंपल में कौन था? कॉम्प्लेक्स वही कंपाउंड बोलते हैं। बताओ सिंपल में कितने थे? तीन। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, पोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कंपाउंड में कितने थे? दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कितने टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना? चार। कौन कौन से? ट्रैकीन, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। कितने डेड थे, कितने लिविंग? तीन डेड, एक लिविंग। लिविंग कौन? अच्छा बताओ, अब फ्लोएम कितने एलिमेंट से मिलकर बना था? चार। कौन कौन से? सिर्फ ट्यूब नहीं, सिर्फ ट्यूब और कैम्पेनियन सेल, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। कितने डेड? एक डेड। कितने लिविंग? तीन लिविंग। रटो बेटा, 1:3, 3:1। भैया पैरेन्काइमा है तो चाहे जहां वो लिविंग होगा, और फाइबर चाहे जहां वो पैरेन्काइमा होगा, क्या होगा? डेड होगा। तो इसमें फाइबर डेड है, बाकी सब क्या है? इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, टिश्यू हमने दो टाइप के बताए, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या था? जो लगातार डिवाइड कर रहे, उसे क्या बोलेंगे? मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और जो डिवाइड करना बंद कर रहे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे, उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, ये पैरेन्काइमा, पोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है भाई। पैरेन्काइमा का काम कोई बता दे हमको, सोच स्टोरेज, सिक्रीशन और क्या? स्टोरेज हो गया, सिक्रीशन हो गया, फोटोसिंथेसिस। ये पर्टिकुलर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? तो ये मेरिस्टमेटिक नहीं है, परमानेंट। अच्छा, पोलेन्काइमा को कोई काम बता दे, ये क्या करता है? पोलेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है? ये भी जो होता है पोलेन्काइमा, मजबूती देता है, नहीं देता? और स्क्लेरेन्काइमा, ये भी प्लांट को क्या देता है? भयानक मजबूती। जो पोलेन्काइमा होता है फ्लेक्सिबिलिटी वाला मजबूती देता है। अब पोलेन्काइमा
स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, कितनी बात पर कह रहा है आगे बढ़े। तो जब लगातार से डिवाइड कर रहा है तो मेरी स्टिमुलेट से अब डिवाइड करके बंद कर दिया, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो उसे क्या बोलेंगे? परमानेंट। और उसी को क्या डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि सेल क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया है? बताओ, अब ये सेल डिवाइड करेगा? सेल परमानेंट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेल जो अब परमानेंट हो गया, जो डिवाइड नहीं कर सकता, वो फिर से डिवाइड करने लगता है। क्या होने लगता है? फिर से डिवाइड करने लगता है। तो बताओ, फिर से डिवाइड करने लगता है? क्या हमेशा होता है? कभी कभी। क्या सभी सेल के साथ होता है? कुछ कुछ सेल के साथ, कुछ सेल। सेल ने क्या किया था? डिवाइड करना बंद कर दिया। तो उसे बोलेंगे हम सेल में क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। लेकिन हमने देखा समय का तकाजा था और इसने क्या कर दिया? फिर से डिवाइड करने की क्षमता इसके पास आ गई। तो हम कह सकते हैं गेन द, गेन मतलब प्राप्त किया, गेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, गेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। अब बताओ ये सेल डिफरेंशिएट रहेगा कि डिफरेंशिएशन हट गया? सुनो, सेल जब डिवाइड करना बंद कर दे तो हम बोलेंगे वो डिफरेंशिएट हो गया। और डिफरेंशिएट सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? बोलोगे डिफरेंशिएट सेल डिवाइड नहीं करेगा। जब सेल फिर से डिवाइड करने लगे मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशिएशन हट गया कि नहीं हट गया? और कहीं भी अगर डी लगता तो उसका मतलब रिमूवल होता है कि नहीं? मतलब डिफरेंशिएशन हट गया है तो डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो इसे क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। ऐसा सेल जो फिर से डिवाइड कर देगा उसे क्या बोलेंगे? डी मतलब क्या? डिफरेंशिएशन हट गया। डिफरेंशिएशन था तो सेल डिवाइड नहीं करता, अब डिफरेंशिएशन हट गया तो सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? डी डिफरेंशिएशन। बताओ ये सेल मेरिस्टमेटिक हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो भैया, बोलो भैया, हो गया कि नहीं हो गया? बताओ अब ये सेल डिवाइड करेगा कि नहीं? इधर दिखा नहीं। देखो ये सेल फिर डिवाइड करना, तो फिर से डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं हो गया? ये सेल फिर डिवाइड करना, पहले डिवाइड कर रहा था, फिर डिवाइड करना बंद किया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड करना बंद किया, तो पुनः डिफरेंशिएशन आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी देखो डिफरेंशिएशन था और यहां डिफरेंशिएशन टूटा और फिर से डिफरेंशिएशन आ गया, तो यहां री डिफरेंशिएशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? री मतलब क्या होता है? पुनः। क्या होता है? पुनः। तो ये सेल फिर से डिवाइड करने लगा तो क्या बोलेंगे? री डिफरेंशिएशन। अभी अभी पढ़ाए हैं
प्राइमरी ग्रोथ जो लेंथ में बढ़े उसे प्राइमरी ग्रोथ, जो चौड़ाई में बढ़े। पहले प्लांट किस में बढ़ता है, लेंथ में, कि पहले प्लांट इतना इतना चौड़ा हो गया, पहले वो लेंथ में बढ़ता फिर चौड़ाई में बढ़ता। तो पहले ग्रोथ जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ होता है, और बाद में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इतनी बात समझ में आया? अरे बोलो बोलो। अब जब मेरिस्टमेटिक सेल डिफरेंशिएट होती है, यहां से प्रश्न बन सकता है, जब मेरिस्टमेटिक सेल डिफरेंशिएट होती है तो उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब मेरिस्टमेटिक सेल के स्ट्रक्चर में कुछ क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो जब इस बात को समझना, जब मेरिस्टमेटिक सेल डिफरेंशिएट होती है तो क्या होता है, बोलो भैया, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। कौन सा स्ट्रक्चर? देखो किसमें किसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसके सेल वॉल में मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? सेल वॉल में मॉडिफिकेशन होता है और प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन। किसमें मॉडिफिकेशन होता है? सेल वॉल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पूछ रहे, किसमें किसमें होता है, मतलब कैसे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है। जब मेरिस्टमेटिक सेल एक परमानेंट सेल बनेगी तो उसमें कौन किसका कहां कहां चेंज होगा, उसके सेल वॉल में चेंज आएगा और प्रोटोप्लाज्म। कोई बता सकता है मेरिस्टमेटिक सेल प्राइमरी सेल वॉल पर आया जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल? अभी पढ़ाया फेज ऑफ ग्रोथ, पढ़ाया अभी उसी पढ़ाया फेज ऑफ ग्रोथ पढ़ाया, बताओ प्राइमरी सेल वॉल पर आया जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल पर आया जाएगा? प्राइमरी पर आया जाएगा ना। और देखो सेल अभी नन्हा सा बच्चा था, अब ये सेल क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बताओ अभी ये मेरिस्टमेटिक सेल था तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल, क्या था, प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल जो था, ये जो प्राइमरी सेल वॉल था ये पतला होगा कि बहुत ज्यादा मोटा, और ये ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करेगा कि हल्का सा? अब भैया ये देखो, ये देखो, ये देखो, प्रोटोप्लाज्म चारों तरफ बढ़ रहा है तो वॉल पे प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बताओ वॉल पे प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो वॉल पे प्रेशर लगाएगा, तो प्राइमरी वाला अगर रहेगा तो पतला सा है, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? तो हमने यहाँ क्या बताया, सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है नहीं होता? अरे बोलो यार, सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हुआ नहीं समझ, पतला सा गुब्बारा है उसमें पानी भरोगे फट जाएगा नहीं? जब तुम्हें पानी ज्यादा भरना है तो उसमें एक और लेयर मोटी सी चढ़ानी पड़ेगी कि नहीं चढ़ानी पड़ेगी? बोलो भैया, चढ़ानी पड़ेगी कि नहीं चढ़ानी पड़ेगी? को चढ़ानी पड़ेगी। तो बताओ जब सेल मेरिस्टमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनता है तो उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होता है नहीं होता? कौन कौन से स्ट्रक्चर? सेल वॉल में और देखो इसका एक एग्जांपल दें, एनसीईआरटी सब लिखा है, पूरी बात एनसीईआरटी की है। चलो ट्रैकरी एलिमेंट, कोई बता सकता है ट्रैकरी एलिमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है ट्रैकरी एलिमेंट क्या होता है? अरे तेज बोलो, ट्रैकरी एलिमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से, ये जाइलम का पार्ट है, इसमें कौन कौन आएगा? ट्रैकीड और वेसल। क्या आएगा? कभी कभी हम क्या होता है, पहले हम भी ऐसे सोचते थे कि हमारे सामने ट्रैकरी एलिमेंट लिखता था तो हमें ट्रैकीड समझ में, क्या समझ में आता था, ट्रैकीड। लेकिन जब हमने एनाटॉमी पढ़ाया था तो बताया था ट्रैकरी एलिमेंट में कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, जाइलम और अरे ये जाइलम फ्रेम कहां से हो गया, ट्रैकीड एंड वेसल। क्या आएगा मतलब तुम्हें जब क्या बताया, पढ़ाई वढ़ाई घर पे नहीं हुई है कोई है कि नहीं, ट्रैकीड एंड वेसल सब भूल गए पीछे। अब देखो ट्रैकीड वेसल्स बताओ, इस ये बताओ पैरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी होती है, किसकी बनी, ग्रेविटी, सेलुलोज, किसकी बनी होती है, सेलुलोज। अब बताओ स्क्लेरेन्काइमा में क्या और चढ़ जाता है, इसको लिग्निन, क्या जाता है, लिग्निन, और लिग्निन टफ होता है नहीं होता?
सेल्यूलोज का सेल वॉल होगा, लेकिन जब इसे स्क्लेरल काइमा बनाएंगे तो इस पे लिग्निन की परत चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे, और लिग्निन टफ होता है कि नहीं होता है, इसीलिए ना तो बाहर से कोई चीज अंदर, ना तो अंदर से कोई चीज बाहर, आदान प्रदान बंद। अगर आदान प्रदान बंद तो मतलब सेल जिंदा रहेगा या मर जाएगा। यही रीजन था कि स्क्लेरल काइमा का सेल क्या हो गया था, मर गया। तो ये जो ट्राइकीड और ये जो वेसल्स है दोनों में स्क्लेरल काइमा है कि नहीं, बोलो भैया स्क्लेरल काइमा है कि नहीं है, तो इसका सेल वॉल ठीक होगा कि नहीं, स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा। लिग्निन की परत चढ़ गई है तो स्ट्रांग सेल वॉल होगा कि नहीं होगा, स्ट्रांग एंड इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है, लचीला। एक होता है इलास्टिक, एक होता है फ्लेक्सिबल, दोनों में अंतर पता है, नहीं बताएंगे एक बार बता चुके, चलो दोनों का मतलब लचीला होता है, छोड़ो। स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक सेल वॉल होता है। अच्छा बताओ सेकेंडरी सेल वॉल होगा या प्राइमरी सेल वॉल, सोच के बताओ, सोच। सेकेंडरी होगा, क्यों भैया? प्राइमरी सेल वॉल किसमें पाया जाता है, मेरिस्टमेटिक, और ये ट्रैकीय और ये वेसल्स, ये सब परमानेंट है कि नहीं, ये अपना एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएटेड सेल है कि नहीं है, बोलो भैया ये क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा किसका बना होता है, किसका बना होता है, लिग्नोसेलुलोजिक। लिग्नोसेलुलोजिक मतलब क्या होता है, लिग्निन और सेलुलोज, तो लिख लेना भैया लिग्नोसेलुलोजिक। अच्छा बताओ कोई बता सकता है इतना मजबूती से क्यों चिपके, बताओ बात नहीं, बताओ इतना मजबूती से क्यों चिपके, इतना मजबूत ये क्यों है, लड़ाई बड़ाई करना है इसे, नहीं इसे क्या करना है, वाटर का ट्रांसपोर्ट बहुत लंबी दूरी तक करना है, तो इसीलिए क्या होता है, मजबूत होता है। लिग्नोसेलुलोजिक क्या के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। ए भैया जाइलम का काम क्या होता है, वाटर मिनरल का कंडक्शन, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का कंडक्शन। ये ऊपर ऊपर बात हो गई थी, लेकिन जब हमने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो बताया था कोई किसी का भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, नहीं याद कर लेना, अगर नहीं टूट देगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इतनी बात तो क्लियर है, बोलो भैया जल्दी जल्दी कोई छापो, अभी पूछेंगे बताओ। अच्छा बताओ जल्दी, जब मेरिस्टमेटिक सेल डिफरेंट परमानेंट होगी तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, कहां कहां स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, सेल वॉल ऑफ प्रोटोप्लास्ट। देखो इसके सेल वॉल में मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं, ट्राइगरी एलिमेंट, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है। सर प्रोटोप्लास्ट में कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, हे भैया यहां मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, यहां पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट गायब हो गया कि नहीं हो गया। अरे मेरे भाई जब देखो शाइलम का जब वेसल्स और ट्रैकीड बनता है तो रहता है लिविंग, क्या रहता है, लिविंग, लेकिन इस पे चढ़ जाता है क्या, लिग्निन, तो इसके प्रोटोप्लास्ट गायब हो जाते हैं कि नहीं, खत्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, तो ये क्या करेगा, लॉस का किसका एग्जांपल दिया तुम्हारे साथ, ट्राइग्रीन लॉस का प्रोटोप्लास्ट। लिखो भैया जल्दी, लिखिए लिखो, चलें।
ये चैप्टर बहुत ही मतलब अभी स्टार्ट होगा, कल कल जो स्टार्ट होगा उसमें तो पूरा चार चैप्टर में बहुत ध्यान है। वो देखे कि नहीं वीडियो का ना ETS ETS देखे कि नहीं, ऐसे ऐसे चले ETS देखा कि नहीं देखो, नहीं देखो तो देखो सवाल कॉन्सेप्ट है मिटाए इसको बताओ। डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन समझ में आया बात? बोलो भैया मेरिस्टमेटिकल अपनी क्षमता को दिया डिवाइड करने का एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा और उसमें सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफरेंशिएशन होगा? नहीं। डिफरेंशिएटेड सेल फिर से कैपेसिटी फिर से क्षमता आ गया डिवाइड करने का तो क्या हो जाएगा? री डिफरेंशिएशन फिर से ये खो दिया क्षमता डिवाइड करने का तो क्या होगा? री डिफरेंशिएशन क्या होगा? री डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा? अच्छा क्राइटेरिया एलिमेंट जो होता है उसका सेल वॉल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है? बोलो भैया लिग्नोसेल्यूलोसिक होता है कि नहीं होता है? ये उसके सेल वॉल में मॉडिफिकेशन है कि नहीं? अगर कहते प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन बताओ क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म है ही। अब देखो एक बात मैं बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा सुनो बताओ पहले क्या लिखे मेरिस्टमेटिक सेल फिर क्या लिखे भैया मेरिस्टमेटिक सेल के बाद क्या लिखे डिफरेंशिएशन। अच्छा डिफरेंशिएशन के बाद क्या लिखे भैया बोलोगे? उसके बाद क्या लिखे रीडिफरेंशिएशन क्या लिखे? रिलेट कराएं एनाटॉमी से रिलेट कराएं बताओ मेरिस्टमेटिक सेल कितने टाइप के? हाँ मेरिस्टमेटिक सेल कितने टाइप के? दो टाइप के हम बहुत अरे दो टाइप बता दो एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कितने टाइप के बताए? दो रूट एपिकल मेरिस्टम शूट एपिकल मेरिस्टम और उसके बाद लेटरल मेरिस्टम कितने टाइप के बताए? इसी चैप्टर में पढ़ाया भैया चुल्लू भर पानी लो पियो उसके बाद फिर सोचो फिर पढ़ो समझ रहे हो ना? चलो कहने का मतलब ये है अभी इसी चैप्टर में पढ़ाया लेटरल मेरिस्टम दो टाइप के कौन बताओ कौन से लेटरल मेरिस्टम है? चलो एक है कॉर्प कैंब्रियम दूसरा क्या है? एक है कॉर्प कैंब्रियम दूसरा है वैस्कुलर कैंब्रियम। लेटरल मेरिस्टम लेटरल ग्रोथ कराएगा कि नहीं? चौड़ाई में ग्रोथ कराएगा कि नहीं? और सूट और रूट एपिकल मेरिस्टम इतनी बातें तो क्लियर है? चलो राम रूट एपिकल मेरिस्टम चलो भैया बनाएंगे नहीं गुस्सा हो जाओ लोग बताओ ये क्या होगा रूट एपिकल मेरिस्टम होगा कि नहीं? चलो राम श्याम ये शाम क्या है? सूट एपिकल मेरिस्टम और कैंब्रियम अब कैंब्रियम में और कैंब्रियम भी आ सकता है वैस्कुलर कैंब्रियम भी आ सकता है इतनी बात तो क्लियर है? बताओ भी ये बताओ मेरिस्टमेटिक सेल है कि नहीं? यही मेरिस्टमेटिक सेल डिफरेंस इसी का डिफरेंशिएशन होगा और इसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है और इसी का क्या हो सकता है रीडिफरेंशिएशन क्या हो सकता है रीडिफरेंशिएशन। जैसे मान लिया एक मेरिस्टमेटिक सेल हमने नाम नहीं दिया एक मेरिस्टमेटिक सेल और उसने बनाया बताओ कॉर्टेक्स इधर आगे ले कलर चेंज कर मेरिस्टमेटिक सेल था उसने क्या बनाया कॉर्टेक्स डिवाइड करते करते मेरिस्टमेटिक सेल डिवाइड करते करते अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा और वो एक सेल बनाया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा होता है कोलेन्काइमा होता है स्क्लेरेन्काइमा होता है पैरेन्काइमा होता है क्या होता है जंगली पैरेन्काइमा चेंज होता रहता है देखो इधर कॉर्टेक्स। तो ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं? अब सोचो हमने बताया था एनाटॉमी जरूरी जब स्टेम में कट लग क्या लग जाता है घाव हो जाता है तो बताओ उस घाव को भरने के लिए
डिवाइड नहीं कर रहा, ये फिर से डिवाइड करने लगता है कि नहीं करने लगता है, बोलो भैया। और उसे क्या बोलते हैं? अब उसे बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम किसका एग्जांपल हुआ? डिफरेंशिएशन या रीडिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन या रीडिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। भैया एग्जाम कभी नहीं पढ़ा होगा तो पूरा बर्बाद है। हमने कहा था जब स्टेम में या कहीं घाव लग जाता है तो उस घाव में बैक्टीरिया और कीड़े में चले जाए तो उसके लिए क्या होता है, इससे जो प्लांट का जो कॉर्टेक्स है उसका आउटर कॉर्टिकल लेयर इनर कॉर्टिकल इनर वाउ सैतानिया इनर कॉर्टिकल लेयर की आउटर कॉर्टिकल इनर बताए कहां से बताया है रूट ने नूडियूज से बताया है ना वो ठीक है इनर कॉर्टिकल पे बैक्टीरिया जाकर वहां स्टिमुलेट करता है इनर कॉर्टिकल को लेकिन ये याद करो भैया ये भैया क्वेश्चन है क्वेश्चन बनेगा कि बता आउटर कॉर्टेक्स कॉर्क कैम्बियम बनाता है इनर कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स इतनी बात एकदम क्लियर अब बताओ कॉर्क कैम्बियम ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा और नीचे की तरफ डिवाइड करेगा ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा हां क्या बनाएगा कॉर्क बनाएगा और नीचे की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा और ये जो कॉर्क कैम्बियम याद करो भैया नहीं दिक्कत में रहोगे ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये मेरिस्टेमेटिक क्या है मेरिस्टेमेटिक अब ये अगर ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा फिर से नहीं बता सकते ऊपर की तरफ भी डिफरेंशिएट हो सकता है नीचे की तरफ भी हो सकता है ऊपर की तरफ होगा तो क्या बनाएगा बोलो कॉर्क क्या बनाएगा कॉर्क और नीचे की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और ये जो कॉर्क है और ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं डिवाइड कर सकते ये डिवाइड नहीं कर सकते तो बताओ फिर से डिफरेंशिएट हो गए कि नहीं हो गए अभी तक देखो ये डिवाइड कर रहा अब इससे जो कॉर्क बना सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो बना ये डिवाइड करने की क्षमता क्या हो गया खो दिया तो रीडिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं हो गया तो इसमें किसका एग्जांपल आएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स और एंड बताओ नीट वाले हमें देखे पांच क्वेश्चन बनाए इसके बाद एक चीज कौन बैठा बनाया क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन बन सकता है भैया कि बताओ पहले एक मिनट हम ऊपर देने सोचो पूरा कि क्या हमने बताया कैसे ये एग्जाम्पल सब बना सोचो एक बार सोच पाई खुशी कौन ना अच्छा दो ना सोच पाई कि नहीं सोच पाई एनाटॉमी नहीं पता होगा तो नहीं सोचो सोच लिए चलो हम फिर से बता रहे हैं देखो मेरी स्टेमेटिक सेल ऐसा सेल है जो डिवाइड करे अगर डिवाइड करने की क्षमता खो दिया तो डिफरेंशिएशन अगर फिर डिवाइड करने लगा तो डिडिफरेंस अगर फिर से डिवाइड करने की क्षमता खो दिया तो रीडिफरेंशिएशन मेरी स्टेमेटिक सेल लगातार डिवाइड कर रहा है ये डिवाइड करने के बाद ये परमानेंट पैरेन्काइमा की कॉर्टेक्स सेल बना दिया डिवाइड करने की क्षमता खो दिया तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन अब क्या हो गया ये कॉर्टेक्स फिर से डिवाइड करने लगा तो क्या हो गया डिडिफरेंशिएशन और ये देखो ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करके क्या होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑफ कॉर्क और ये डिवाइड नहीं कर सकते तो रीडिफरेंशिएशन समझ में आएगा चलो एक और देखो एक मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल इसने बनाया क्या मान लो मेडुलरी रे का मेडुलरी रे क्या बनाया मेडुलरी रे परमानेंट है या मेरिस्टेमेटिक का मेडुलरी पैरेन्काइमा का बना है किसका बना है पैरेन्काइमा का तो परमानेंट है ना बोलो एनाटॉमी अगर नहीं आया होगा भैया तो समझ रहे हो देखो सेल डिवाइड करना बंद कर दिया है पर्टिकुलर काम करने लगा उसे क्या बोलेंगे मेडुलरी रे अब बताओ हमने कहा था जब सेकेंडरी ग्रोथ होता याद दिलाए कुछ ये बताओ अंदर जाएगा ना अंदर स्वयं याद है चलो धन्यवाद थोड़ा सा याद रखने के लिए इज्जत रखने के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या है जाएगा प्राइमरी जाएगा अंदर होगा कि सेकेंडरी जाएगा बता दो आप सबसे नीचे प्राइमरी उसके ऊपर सेकेंडरी उसके अब यहां क्या होगा कैम्बियम क्या होगा
ऊपर पेरिसाइकिल, उसके ऊपर एंडोडर्मिस, उसके ऊपर कॉर्टेक्स, उसके ऊपर एपिडर्मिस, उसके ऊपर हम खड़े होकर देख रहे हैं प्लांट को, समझ लीजिए ना आप, चलो इधर देखो। तो याद करो ये वैस्कुलर कैंडियम बना है, समझ रहे हो ना, इसे इंट्राफेसिकुलर कैंडियम बोला जाता है या इंटरफेसिकुलर कैंडियम, सोचो इंट्रा बोला जाएगा क्योंकि वैस्कुलर बंडल के अंदर पाया जा रहा है, वैस्कुलर बंडल के अंदर, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैंडियम। क्या अभी कैंडियम रिंग बना है, कैंडियम रिंग बनाने के लिए हमने बोला था कौन मॉडिफाइड होगा, मेडुलरी रे, यहाँ का मेडुलरी रे मॉडिफाइड हो जाएगा और क्या बना देगा, इंटरफेसिकुलर कैंडियम। इंटर मतलब दो वैस्कुलर बंडल के बीच का कैंडियम को क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैंडियम। तो बताओ अभी ये सर डिवाइड करना बंद कर दिया था कि डिवाइड करना बंद कर दिया था, तो डिफरेंशिएटेड सेल है ना, अब ये फिर से डिवाइड करने की क्षमता इसके पास आ गई और इसको हमने नाम दिया क्या, इंटर या इंट्रा, इंटरफेसिकुलर कैंडियम। इसके बाद डिवाइड करने की क्षमता फिर से आ गई था और फिर से आ गई, तो ये भी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है कि नहीं, अरे बोलो भैया, चलो इसको मिला दें, बोलो। लेकिन अभी वैस्कुलर कैंडियम नहीं बना, वैस्कुलर कैंडियम बनाने के लिए इंट्रा के साथ क्या चाहिए, इंट्रा के साथ क्या चाहिए, इंटर के साथ क्या चाहिए, इंट्राफेसिकुलर कैंडियम। और दोनों भी है, इंट्रा और इंटर मिलकर क्या बनाएंगे, कॉर कैंडियम बनाएंगे या वैस्कुलर कैंडियम, वैस्कुलर कैंडियम क्या बनाएंगे, वैस्कुलर कैंडियम। मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा भाई, पूछो क्यों, तुम सबके मुंह के रंग उड़े हैं और ये अभी उड़े हुए हैं ना जब इससे ये नहीं क्लियर हुआ। अरे यार इतने प्यार से जो टीचर पढ़ाए, सोच लो इतना प्यार नोट तुम सबका बनाया है। ये देखो हमने बताया था कि ये क्या है, जाइलम, ये वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल है। ये रूट की हम बात कर रहे हैं कि शूट की बात, सॉरी रूट की बात कर रहे हैं कि स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम की रूट की, स्टेम की बात कर रहे हैं भैया। चलो इधर जाके चैप्टर पढ़ लेना, एक एक चैप्टर लिखता हो, समझ रहे हो ना, एक एक चैप्टर लिखता हो उसको जाके। ये इंटरफेसिकुलर कैंडियम क्या अभी इंट्रा, सॉरी इंट्रा, क्या अभी सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, नहीं। क्या क्या चाहिए, पूरा रिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, चलो पूरा क्या चाहिए, रिंग। और इंट्रा ये क्या है, लिख दे रहे भैया प्यार से, इंट्रा फेसिकुलर कैंडियम एफ सी। और रिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, इंटर। अब बताओ इंटर किसके मॉडिफिकेशन से बनेगा, मेडुलरी रे, मेडुलरी रे डिफरेंशिएटेड सेल थी कि नहीं, अब ये फिर से डिवाइड करने की क्षमता इसके पास आ गई, तो डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब पूरा रिंग बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। वैस्कुलर कैंडियम ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या होगा, बताओ, सेकेंडरी फ्लोएम, और नीचे की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। तो बताओ यहां क्या बना, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी, बताओ ये डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड करते हैं नहीं, तो फिर से डिवाइड करने की क्षमता खो दिए कि नहीं खो दिए, बोलो भैया। तो ये री डिफरेंशिएशन के एग्जांपल होंगे कि नहीं होंगे, ये री डिफरेंशिएशन के एग्जांपल है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क सेल, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम। और डी डिफरेंशिएशन के एग्जांपल कौन है, कॉर्क कैंडियम, इंटरफेसिकुलर कैंडियम। और डिफरेंशिएशन के एग्जांपल क्या है, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम। कितनी बात हो गई, अरे बोलो बोलो, आगे बढ़ें, लिखो जल्दी, बात नहीं समझ में आएंगे, ये बात तभी समझ में पाओ जिसको एनाटॉमी क्लियर होगा ना, उसको मजा आ गया, नहीं क्लियर होगा तो फिर ये समझ नहीं आएगा।
पूछे बताओ टॉर्क कैम्बियम किसका एग्जाम डी डिफरेंशिएशन और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेरिस्टमैटिक सेल मेरिस्टमैटिक का एग्जाम्पल है। अच्छा कॉर्टेक्स मेडुलरी में डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी कोएल सेकेंडरी कॉर्टेक्स और ये किसका एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट सब क्लियर है ना। चलो लिखो जल्दी से
चलो अभी लास्ट में पूछ लेंगे। अच्छा बताओ ये एपिकल मेरिस्टम है कि नहीं, एपिकल मेरिस्टम है कि नहीं, तेज बोलो तेज बोलो, कोई शर्मा होने के सूट ले मेरा सूट बना दी तुम्हारा उससे भी लगा हुआ है सूट एपिकल मेरिस्टम मतलब सूट मतलब फ्लावर जमीन के ऊपर जो पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे सूट, तो सूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। और ये क्या है रूट एपिकल मेरिस्टम, कुल मिला जुला के एपिकल मेरिस्टम जानते हो, सेम एपिकल मेरिस्टम वही डिवाइड करके पैरेंटाइमल बनाता है, वही डिवाइड करके पोलेंटाइमल बनाता है, वही डिवाइड करके स्क्लेरेंटाइमल बनाता है, वही डिवाइड करके जाइलम बनाता है, वही डिवाइड करके क्या बनाता है फ्लोएम बनाता है, सेम एपिकल मेरिस्टम। तो इस लाइन को हम लिख रहे हैं सेम एपिकल मेरिस्टम, गिव राइज बताओ क्या क्या बना पैरेंटाइमा बोलो मेरे भाई, पोलेंटाइमा स्क्लेरल, पोलेंटाइमा के बारे में क्या जानते हो बता दो, कहा नहीं कर रहा हूँ पोलेंटाइम एक लाइन लिखेंगे बस खत्म, पोलेंटाइमा के बारे में क्या जानते हो क्या मैकेनिकल सपोर्ट मतलब एक काम था फ्लेक्सिबिलिटी वाला या एकदम मजबूत वाला, अच्छा ये बताओ ये क्या है पेट्रियोल, क्या है पेट्रियोल, अच्छा एक बात बताओ पेट्रियोल तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता, अच्छा बताओ पूरे क्राइमा के पूरे सेल पाया जाता है कि कॉर्नर 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 बताओ, ये हाइपोडर्मिस में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, हाइपोडर्मिस मैं बता रहा हूँ कभी पढ़ाया तो उसके बाद देखा नहीं लेकिन यार चलो हाइपोडर्मिस पाया जाता है कि नहीं स्टेम पे या स्टेम पे किसके डाइकोटियम मोनोको ये भी है देखो ऐसा काम नहीं चलेगा पूरा याद होना चाहिए डाइकोटियम के एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस में पाया जाता है, इतनी बात एकदम क्लियर है, इसका दो काम बता दो कोई एक काम तुम बताओ एक काम हूँ फ्लेक्सिबिलिटी कौन बताते फोटोसिंथेसिस कितना सकता है क्या कभी 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 हमेशा नहीं, जब इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये क्या कर सकता है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इतनी बात एकदम क्लियर है भैया आगे पढ़ें बताओ इसके कई सारे सेफ हो सकते हैं कि नहीं सेफ हो सकते, आइसोडायमेट्रिक कौन होता है पैरेंटाइमा होता है, कौन होता है क्लियर है, चलो तो बताओ सेम एपिकल मेरिस्टम मान ली एपिकल मेरिस्टम है चाहे फूट एपिकल मेरिस्टम की बात करो चाहे सूट एपिकल मेरिस्टम, ये क्या बना सकता है पैरेंटाइमा बना सकता है स्क्लेरेंटाइमा पोलेंटाइमा स्क्लेरेंटाइमा बना सकता है और क्या जाइलम बना सकता है और फ्लोएम बना सकता है, बताओ जाइलम फ्लोएम कौन से टिश्यू होंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू और पैरेंटाइमा पोलेंटाइमा स्क्लेरेंटाइमा कौन से टिश्यू होंगे, कोई बता सकता है सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अंतर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सेल का बना होता है वो क्या होता है गलत गलत हाँ कॉम्प्लेक्स में टाइप लगाना जरूरी है, अगर कहते तो मोर हमने एक बार हम क्वेश्चन बनाए थे किसी ने गलत कराए थे हमने कहा बताओ मोर देन वन सेल का बना है वो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, गलत है भैया उसमें टाइम लिखा होगा तब कॉम्प्लेक्स होगा, अरे भैया एक से ज्यादा सेल होंगे यहां कहा जाएगा एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल टाइप होगा, इतनी बात समझ लिया चलो, तो बताओ सेम एपिकल मेरिस्टम पैरेंटाइमा यही बना रहा है यही पोलेंटाइमा बना रहा है यही स्क्लेरेंटाइमा बना रहा है जाइलम बना रहा है यही बताओ सबका सेम अलग अलग होगा कि सबका सेम सेम होगा अलग अलग होगा, अरे बोलो भैया सबका सेम अलग है बताओ जायगोट में हम और तुम और तुम सबका सेम था, जायगोट एक सिंगल सेल है यार लगभग लगभग सेम सबका सेम था, लेकिन आओ मिला लो आज हम इतने लंबे चौड़े गोरे घमंड नहीं मुझे देखना कहने का मतलब मजाक है इधर देखना हमारा स्ट्रक्चर तुम्हारा स्ट्रक्चर सबका स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग, ये अलग अलग कब हुआ था जायगोट के फॉर्म में जब
छोटे से तो भी हो गया था, लेकिन मेरिस्टमेटिस से सभी लगभग एक जैसे होते हैं। लेकिन जब ये बड़े होते हैं ना तो इनमें क्या होता है, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं भैया बोलोगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर कब? एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या हो जाते हैं? अलग अलग स्ट्रक्चर। देखो पेरेंट तुम देख रहे ना, तुम ही बोलते पेरेंट टाइम अलग होगा, स्केलेटन टाइम अलग होगा, कोलेम टाइम अलग होगा, जाइलम में जाइलम भी अलग अलग होते हैं, फ्लोएम भी अलग अलग, सबका स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? लेकिन बताओ ये एक ही सेल से राइज हुए कि नहीं? एक सेल से राइज हुए कि नहीं? ये जो होता है हम लिख सकते हैं सेल arising from the cell arising from same meristem। ए भैया इधर देखो, सेम एपिकल मेरिस्टम से ये सब बना है कि नहीं बना है? बोलो यार, सेम एपिकल मेरिस्टम से बना है कि नहीं? तो देखो ये सब सेल जो अराइज हुए, जो उत्पन्न हुए, ये किससे हुए? सेम एपिकल मेरिस्टम से हुए कि नहीं? अब एनसीईआरटी में सीधा लाइन लिख दिया है, सेल अराइज फ्रॉम सेम मेरिस्टम है, किसके पास क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, मतलब एक सेम सेल से, एक सेम टाइप के मेरिस्टम से जो सभी सेल उत्पन्न हुए हैं उसके अलग अलग स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी पे। नहीं समझ पाए बात तो फिर से सुनो, यही मेरिस्टमेटिक सेल है, यही बनाया गया पायलट काम में, यही बनाया गया कोलेम काम में, यही बनाया स्पायरल काम में, यही बनाया जाइलम, और यही बनाया फ्लोएम। बताओ ये स्ट्रक्चर सेम है, रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन किसी से बना है पायलट काम का, इसका स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर, का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा कि नहीं होगा? सेम सेल से बना है कि नहीं? सेम मेरिस्टम से बना है कि नहीं? देखो लाइन नहीं छोड़ सकते हैं, सेल अराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टम, सेम मेरिस्टम से जो सेल उत्पन्न हुए हैं उनका अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी, बड़े होने पे अलग अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लोकेशन, किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन, अभी हम तुम्हें बता रहे हैं, तब ज्यादा समझ आएगा। इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होना किस बात पे डिपेंड करता है बोलोगे? डिपेंड ऑन, तुम ऐसे नीचे करके ऐसे दो भागो, डिपेंड ऑन लोगे। जैसे सुनो, अभी जैसे बता देंगे पूरा सुनो, ये ऊपर वाला भी जा सकते हैं क्या? इसको तो नीचे करके देखना, डिफरेंट स्ट्रक्चर के बाद हमें किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन, इधर देखो ये एपिकल मेरिस्टम क्या है? एपिकल मेरिस्टम, अगर ये एपिकल मेरिस्टम रूट एपिकल मेरिस्टम से थोड़ा दूर पर है तो बताओ ये रूट क्या बना देगा? नहीं, अगर ये एपिकल मेरिस्टम रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम ये है, अगर इससे दूर चला गया तो ये रूट कैप बना देगा कि नहीं बना देगा? अरे बोलो यार, सुनो तो ये रूट एपिकल मेरिस्टम है नहीं? बोलो मेरे को ये क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टम। अब ये रूट एपिकल मेरिस्टम अगर थोड़ा सा इधर खिसक गया, खसक मतलब खिसक गया, तो क्या बना देगा? किसमें डिफरेंशिएट होगा? रूट गैप बना देगा कि नहीं बना देगा? अगर थोड़ा सा इधर खिसक गया तो एपिडर्मिस बना देगा कि नहीं बना देगा? थोड़ा सा और अंदर खिसका तो कॉर्टेक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो सुनो भैया, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा बताओ?
एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सेम की अलग 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 ना, किसके आधार पर अलग अलग, लोकेशन के आधार पर। अगर ये रूट एपिकल मेरिस्टम, ये एपिकल मेरिस्टम जो है रूट एपिकल मेरिस्टम से थोड़ा सा दूर तो क्या बनाएंगे, क्या बना लेगा रूट एपिकल मेरिस्टम, अगर ये पेरिफेरिक चला गया, एपिकल मेरिस्टम पेरिफेरिक चला गया तो क्या बना देगा एपिडर्मिस, अगर थोड़ा सा पेरिफेरी से अंदर है तो क्या बनाएगा कॉर्टेक्स, और अंदर है तो क्या बनाएगा एंडोडर्मिस, और अंदर है तो क्या बनाएगा। तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है ये किस बात पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे, किस पे डिपेंड करता है लोकेशन। तो देखो सेल अराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टम, सेम मेरिस्टम से जो सेल अराइज हुआ है उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी पर, क्यों किस बात पे डिपेंड करता है इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिपेंड ऑन लोकेशन, किस बात पे डिपेंड करता है लोकेशन। अब हम लिख सकते हैं जैसे आइटम लिखा है सेल अवे फ्रॉम, अवे मतलब क्या होता है गाली, अवे मतलब होता है दूर, क्या होता है दूर, रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो यार रूट एपिकल मेरिस्टम से अगर दूर गया तो क्या बनाएगा रूट गाइड बना देगा, तो ये बना देगा क्या बना देगा रूट गैप बना देगा। अब बताओ हमने इसको धकेल के किनारे पे कर दिया, धकेल के किनारे पे कर दिया क्या बना देगा एपिडर्मिस, क्या बना देगा इसको, देखो हमने इसको मेरिस्टम, यार मेरे भाई इस मेरिस्टम को हमने धकेल दिया तो ये क्या बना देगा रूट गैप, इसको हमने साइड में पेरिफेरी में धकेल दिया तो क्या बना देगा एपिडर्मिस, क्या बना देगा एपिडर्मिस, हमने ऐसा धकेला ज्यादा ढकेल नहीं, एपिडर्मिस थोड़ा सा नीचे था तो क्या बना देगा कॉर्टेक्स, क्या बना देगा और कम धक्का दिए तो क्या बनाएगा एंडोडर्मिस, और कम धक्का दिए, समझ रहे हो ना। तो अगर हम इसे पुश कर दें, पुश मतलब क्या धक्का दे दें पेरिफेरी पर, तो ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा बताओ भैया, एपिडर्मिस बना देगा कि नहीं रूट के एपिडर्मिस में क्या होगा देखो जो कहते हैं ना जहां पसीना गिरता है वहां क्या होगा इंकलाब, ऐसी लगवा देगी पसीना गिरेगा इंकलाब आया कि चाल, और जितने भी रेसर बच्चे हैं तो सबके पास है, तो जैसे गाइडलाइन आई तुरंत बैच स्टार्ट करो रेसर का, रेसर मतलब जिनको शुरू से करना ठीक से, बच्ची का नाम तो समझ नहीं होगी अच्छा है नहीं इराक गाइड है भैया, हो गया कभी किताब बंद करो, बाकी लेक्चर पे आपको आएंगे हम नया नया दूंगा, ये लेक्चर को समझ लेना लेक्चर ही नहीं था, लेक्चर कोई खास नहीं था भगवान ने, चलो दो मिनट दे रहे पूरा रिवाइज करो, दो मिनट दे रहे पूरा रिवाइज करो, कितना टाइम
ये लाइन समझ में आ रही है? ईमानदारी से सेल, ये सेल जो उत्पन्न हो रहा है सेम मेरिस्टेम से, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी के, और ये किस बात पे डिपेंड है? लोकेशन। अगर हम इसे रूट इसके मेरिस्टेम से दूर कर दें, क्या बना है? रूट कैप बनाया है। अगर इसे एकदम पेरी पेरी बना तो क्या बना है? क्या बना है? सेंटर में कर दे, चैनल बना दूंगा। और सबका अपना अपना काम है कि नहीं है? रिवाइज कर लिए, पूछे बात करो, और हाँ या ना जवाब देना, ऐसा देना गलत पड़ जाए जैसे हमारा पता है। अरे भैया इतना तेज चिल्ला दिया, वो क्या चाहिए इतने दिन बाद? आधे बारह सब छूट गए चले, प्लान कीजिए, खत्म करते करते 3 महीने हो, 11-12-13 तारीख तो 3 महीने हो गए। ऑनलाइन में बता रहा है ना, इतना बेकार प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, क्या बताएं, मतलब एकदम बकवास, हमें गुस्सा। ऑनलाइन मतलब क्या होता है, जैसे अब जैसे मोबाइल को पढ़ा रहे हैं, मोबाइल ना तो मुंह बना रहा है ना तो कुछ बना रहा है, अब कैसे हमें समझ में आया? कुछ समझ में आया या नहीं आया? अब लड़के बैठे रहते तो किसी मुंह पर चलता है, समझ आ जा रहा है आया कि चलो बंद कर दूंगा उसको बैग में। हाँ हाँ मैं जवाब तो जल्दी आ, आज बहुत ही कम पढ़ाई जहाँ से मुझे लगता है, पैसा ना हो तो उसे सही होगा, कैसे स्पीड से रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होने पर टेस्ट लगाता हो, टेस्ट पे टेस्ट टेस्ट, तब तक डेट भी आ जाएगा, 2-3 दिन में 4 दिन में डेट आ जाएगा, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाया जाएगा, और उसके बाद टेस्ट टेस्ट की टाइमिंग डिसाइड हो जाएगी। टेस्ट की टाइमिंग मुझे जहाँ पर लगता है हो पाएगा 2 बजे, 2 से, हाँ 2 बजे के बाद। चलो क्लास की टाइम तो नया बैच जैसे ही आएगा, शाम को भी डिसाइड कर लेंगे बैच का होगा टेस्ट होगा, अभी और बच्चे भी आ जाए। चलें आया हम लोग तुम्हें, चलो हाँ यहाँ हमें जवाब को कहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ था? कंडीशन फॉर ग्रोथ, जल्दी से बोलना क्या कंडीशन, वाटर चाहिए ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए, अरे बोलो ना, न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मुंह से बोलना है मुंह से, और कहाँ से मुंह से मतलब एक होता है जिससे एक होता है हाँ या ना, बताओ ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, बोलो भैया, अच्छा बताओ वाटर क्यों चाहिए? मेंटेन करता है फर्टिलिटी, इनलार्जमेंट करता है, उसके बाद एजाइल एक्टिविटी के लिए वाटर प्रोवाइड करता है माध्यम, मीडियम प्रोवाइड करता है, उसके बाद बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए तो मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं? उसके बाद बताओ माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए कि माइक्रो चाहिए, दोनों चाहिए क्या? दो काम बताओ, इसलिए पहली बात तो प्रोटो दो भैया प्रोटो ग्लास बनाना है, दूसरी बात का सोर्स ऑफ एनर्जी कितना काम करेगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए कि नहीं चाहिए? मोस्ट ऑफ द प्लांट में टेम्परेचर कितना होता है? 28 से 30, ऐसे बोलो आउट है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बताओ एनवायरमेंट का सिग्नल में कौन कौन आएगा? लाइट और टेम्परेचर, लाइट और, इतनी बात तो क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, यही कहा ना, बताओ ये अगर पोजीशन डिवाइड कर रही है लगातार तो उसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करना बंद कर दी, परमानेंट बोल दे डिफरेंशिएशन, इस बीच वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगेगी कि नहीं करने लगेगी, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ किसमें? सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म, जैसे प्राइमरी एलिमेंट की अगर बात करें, एग्जांपल दे मॉडिफिकेशन का, तो उसमें क्या सेल वॉल में क्या मॉडिफिकेशन हुआ? सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन हुआ, स्ट्रांग हो गया, उसके बाद क्या हो गया है? इलास्टिक हो गया है, लिग्नो सेलुलोजिक सेल, इतनी बात एकदम, पेक्टो सेलुलोजिक या लिग्नो सेलुलोजिक, लिग्नो क्यों इतना मजबूत, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, इतनी बात एकदम क्लियर। चलो प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन में क्या है? ही नहीं, प्रोटोप्लाज्म गायब हो गया। चलो उसके बाद बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे बॉल मारते हैं, बॉल का थोड़ा मॉडिफिकेशन कराते हैं, उनका मॉडिफिकेशन कराते कराते गायब हो जाता है, जब भैया समझ देख के समझाट लेके। चलो उसके बाद बताया था हमने कि बताओ अब डिफरेंशिएशन सेल वो फिर से छोटा आ गया डिवाइड करने का, उसे क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। अच्छा फिर से वो डी डिफरेंशिएटेड सेल क्या हो गया?
डिवाइड करने की क्षमता खो दिया, क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताओ, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी इज आइदर सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर्पस, ये क्या है? रीडिफरेंशिएशन। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम ये क्या है? रीडिफरेंशिएशन। मेडुलरी कॉर्टेक्स ये क्या है? बताओ, एक सेल है, ढेर सारे सेल जो सेम एपिकल मेरिस्टम से अराइज हुए हैं, उनका मैच्योरिटी पे अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है नहीं रहता, किस बात पर डिपेंड करता है? लोकेशन। किस बात पर डिपेंड करता है? लोकेशन। अगर रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर, क्या बनेगा? रूट का है। अगर पेरिफेरी पे, क्या बनेगा? इतनी बात करते हैं, बाकी बात करते हैं कल।